गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का विश्लेषण करें आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की 350 पेयजल योजनाएं सूखे की चपेट में, पानी के लिए मारामारी। हिमाचल प्रदेश के दो ज़िलों शिमला और सोलन में पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया है। भीषण गर्मी के बीच दोनों ज़िलों के हजारों उपभोक्ताओं को पाँच में से सातवें दिन पानी मिल रहा है। हालात यह है कि जल शक्ति विभाग ने दोनों ज़िलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर टैंकरों से पानी देने की मंजूरी मांगी है। इस्तीफा स्वीकार करना या न करना, विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक अधिकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में पिछले कल दोनों पक्षों की ओर से फिर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में दोनों जजों के फैसले में मतभेद पर मामला तीसरे जज को रेफर किया था। वहीं तीसरे न्यायाधीश को अब इस मामले में निर्णय लेना है कि क्या हाईकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का आदेश दे सकता है या नहीं। वहीं इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि इस्तीफा स्वीकार करना या न करना विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक अधिकार है, हाईकोर्ट इस मामले में आदेश जारी नहीं कर सकता। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवादुगा ने अपने फैसले में कहा कि अध्यक्ष निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले। इस मामले में 8 मई को अदालत का फैसला आया था। नालागढ़ में स्कूल बस के नीचे आने से 1.5 साल के बच्चे की मौत, चालक के खिलाफ मामला दर्ज। नालागढ़ के अभीपुर गांव में 1.5 साल के बच्चे युवराज पुत्र सुनील कुमार की स्कूल बस के नीचे आने से मौत हो गई। बच्चा अपनी दादी के साथ बड़े भाई को स्कूल बस में चढ़ाने आया था। पुलिस से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें, सुनील कुमार का बेटा नालागढ़ में एक निजी स्कूल में पढ़ता है। बच्चे को बस में चढ़ाने के लिए सुनील कुमार की माँ आई थी। उन्होंने अपने पोते को बस में चढ़ा दिया। बस चालक गुरदीप ने बच्चे के चढ़ने के बाद बस चला दी। इस दौरान अपनी दादी के साथ आया सुनील का छोटा बेटा युवराज दादी का हाथ छोड़कर अपने भाई के साथ बस में जाने के लिए दौड़ गया। वहीं स्कूल बस तब तक चल चुकी थी। वहीं युवराज बस में तो नहीं चढ़ पाया, लेकिन बस के पिछले टायर के नीचे आ गया, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे नालागढ़ अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा को तंग करने के आरोपी युवक पर FIR, देहरा पुलिस ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्नातकोत्तर की एक छात्रा को परेशान करने के मामले में आरोपी युवक पर देहरा पुलिस ने FIR दर्ज की है। छात्रा की ओर से CU प्रबंधन पर उसकी आवाज़ को दबाने के आरोपों के साथ SP कांगड़ा, DC कांगड़ा और मुख्य सचिव को ईमेल के माध्यम से भेजी शिकायत के बाद देहरा पुलिस थाने में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पिछले कल देहरा पुलिस थाना में पहुंचकर पीड़ित छात्रा ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। पीड़ित छात्रा की शिकायत के बाद देहरा पुलिस थाना में संबंधित युवक के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। नौकरी न मिलने पर 22 वर्षीय युवती ने उठाया खौफनाक कदम। सोलन जिला के अंतर्गत पुलिस थाना बद्दी के तहत आत्महत्या का एक मामला दर्ज हुआ है। पुलिस थाना में आकाश नाम के युवक ने बताया कि वो अपनी बहन के साथ अमरावती वार्ड नंबर 8 के पास एक फ्लैट में रहता है। पिछले कल सुबह जब वो उठा तो उसकी बहन ने फंदा लगा लिया था। उसने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले पंखा बनाने वाली कंपनी में कार्यरत उसकी बहन गरिमा ने त्यागपत्र दे दिया था। काफ़ी समय से उसकी बहन नौकरी की तलाश कर रही थी। लंबा समय बीत जाने तक उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, इस कारण वो परेशान थी। भाई आकाश ने संदेह जताया है कि उसकी बहन ने परेशानी में आकर फंदा लगा लिया है। दोस्तों संग नहाने गए युवक की बलग खड में डूबने से मौत। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल के तहत बलग खड्ड में नहाने से एक 17 वर्षीय युवक की डूब जाने के चलते मौत हो जाने की सूचना मिली है।
मिली जानकारी के अनुसार यह युवक अपने मामा के घर टेहाली आया हुआ था और अपने चार दोस्तों के साथ बलख खड्ड में नहाने चला गया। युवक के दोस्तों के अनुसार 17 वर्षीय आर्यन जो कि चौपाल का रहने वाला है वो अपने दोस्त श्रीराम तथा अरुण के साथ नहाने के लिए खड्ड में उतर गया, जबकि सूर्यांश तथा हर्ष खड्ड के किनारे खड़े थे। इस दौरान पानी के तेज बहाव के चलते तीनों उसमें बहने लगे, जिसे देख किनारे खड़े दोस्तों ने आवाज़ें लगानी शुरू की और आवाज़ सुन स्थानीय ग्रामीण भी वहां एकत्रित हो गए, जिन्होंने तीनों युवकों को खड्ड से बाहर निकाला और सिविल अस्पताल ठियोग पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा आर्यन को मृत घोषित किया गया, जबकि श्रीराम तथा अरुण का प्राथमिक उपचार किया गया। दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। कड़छम वांगतू प्रोजेक्ट पर 18% मुफ्त बिजली मामले में हिमाचल सरकार को झटका। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से पिछले कल मुफ्त बिजली मामले में प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कड़छम वांगतू प्रोजेक्ट से राज्य को मिलने वाली 18% मुफ्त बिजली के बजाय JSW कंपनी को 13% मुफ्त बिजली देने के आदेश दिए हैं, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवादुआ की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। विभाग ने गोदाम इंचार्ज को भेजा आखिरी नोटिस, 3 जून को होगी पेशी। करीब 1 करोड़ के राशन घोटाले के मामले में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हिमाचल प्रदेश खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम के प्रभारी को अब आखिरी नोटिस भेज दिया है। नोटिस के माध्यम से आरोपी प्रभारी को 3 जून को धर्मशाला स्थित विभाग के मुख्यालय में पेश होने के आदेश दिए हैं। अगर निर्धारित तिथि को संबंधित गोदाम इंचार्ज हाजिर नहीं होता तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं विभाग अब संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह भी ले रहा है। मिड डे मील में भेदभाव तो करें शिकायत। राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मिड डे मील प्रोसेस में जाति लिंग भेद का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित करवाए जाने वाली खेल गतिविधियों पर भी यह नियम लागू होगा। इसमें कहा गया कि मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर की व्यवस्था विभाग ने पहले से की है। इसके बारे में छात्रों को जागरूक करें। छात्रों व अभिभावकों को बताएं कि उन्हें यदि यह लगता है कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1800180807 नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहीं यह नंबर स्कूल की दीवार पर भी अंकित करना होगा ताकि स्टूडेंट खुद इसकी शिकायत कर सके। 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही रिटायर होंगे चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर ही रिटायर किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को 60 साल की आयु से पहले रिटायर किया गया है उन्हें वापस बुलाया जाएगा। तो ये रही सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।